हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो उन सभी इग्नो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम आप सभी को इग्नो प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिखाने वाले हैं। फ्रेंड्स, इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को कैसे तैयार करना है और इसको बनाते समय आपको कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है जिससे आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कोई भी कमी ना आ सके। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि आपको हम इस चैनल पर इग्नो के रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको सिनॉप्सिस के बारे में बताया था और उसे कैसे तैयार किया जाता है उसका लाइव डेमो भी दिया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पर प्रेस करके उस वीडियो को देख सकते हैं और उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है, आप वहां जाकर भी इसे देख सकते हैं। फ्रेंड्स, प्रोजेक्ट रिपोर्ट को दिखाने से पहले हम आपको ये बता दें कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने से पहले आपको किन किन स्टेप से गुजरना होगा। सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर आप इग्नो के एक न्यू स्टूडेंट हैं तो आपको ये जानकारी जरूर होनी चाहिए। फ्रेंड्स, जब आप इग्नो के किसी भी कोर्स में इनरोल्ड होते हैं तो आपको उस कोर्स की पूरी जानकारी होनी चाहिए कि उस कोर्स में कोई प्रोजेक्ट वर्क है या नहीं। अगर आपके कोर्स में कोई प्रोजेक्ट पेपर होता है तो आप ये देख लें कि ये प्रोजेक्ट पेपर किस सेमेस्टर या ईयर में आ रहा है। कुछ कोर्सेज ईयर बेस्ड होते हैं और कुछ कोर्सेज सेमेस्टर बेस्ड होते हैं। अगर आपका सेमेस्टर बेस्ड है और आपके फर्स्ट ईयर में ही प्रोजेक्ट वर्क आ रहा है, जैसे ही फ्रेंड्स आपकी एडमिशन कंफर्म होती है और आपके पास एक इनरोलमेंट नंबर आ जाता है, उसके बाद जल्दी से आपको सिनॉप्सिस तैयार करना होगा। इस सिनॉप्सिस के लिए सबसे पहले आपको एक गाइड या सुपरवाइजर सेलेक्ट करना होगा। आप अपना गाइड या सुपरवाइजर एकेडमिक काउंसलर से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको अपना सुपरवाइजर या गाइड एकेडमिक काउंसलर से नहीं मिल रहा तो आप खुद से ही एक गाइड ले सकते हैं, पर इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि आपका गाइड अगर प्रोफेसर या लेक्चर है तो उसके लिए उसके पास 5 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। फ्रेंड्स, हमने अपना गाइड खुद से ही चूज किया था, वो एक लेक्चर थी और उसी फील्ड में थी जिस फील्ड में मैंने अपने आप को इनरोल किया था। जैसे ही आपको अपना गाइड मिल जाएगा तो आप उनसे मिलकर एक टॉपिक या टाइटल तैयार करें जिस पर आपको प्रोजेक्ट बनाना है। ये टॉपिक आप खुद से ही चूज करें तो अच्छा रहेगा। जो टाइटल्स या टॉपिक हैंडबुक में दिए गए हैं वो एक डेमो के रूप में हैं, आप उसकी मदद लेकर अपना एक टाइटल तैयार करें। उसके बाद आपको अपने गाइड से मिलकर एक सिनॉप्सिस तैयार करना होगा। ये सिनॉप्सिस 10 से 20 पेज का होना चाहिए और इस सिनॉप्सिस को कैसे तैयार करना है अगर आप उसके बारे में नहीं जानते तो उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। हमने पूरा सिनॉप्सिस उस वीडियो में दिखाया है। सिनॉप्सिस तैयार होने पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और एनोक्चर भी उस सिनॉप्सिस के साथ अटैच करने होंगे, इसके बगैर आपका सिनॉप्सिस अप्रूव नहीं हो पाएगा। फ्रेंड्स, इस सिनॉप्सिस को आपको रीजनल सेंटर या इग्नो के मेन हेडक्वार्टर में सेंड करना होगा। इसके लिए आपको अपनी हैंडबुक की मदद लेनी होगी जिसमें क्लियर किया गया होगा कि आपको सिनॉप्सिस और प्रोजेक्ट कहाँ पर सबमिट करने हों। इसके अलावा आप अपने रीजनल सेंटर से भी कॉन्टैक्ट करके ये जान सकते हैं कि ये आपको सिनॉप्सिस या प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहाँ सबमिट करवाने हैं। सिनॉप्सिस सबमिट करने के बाद आपको 30 से 40 दिन का वेट करना होगा। उसके बाद आपको सिनॉप्सिस की कॉपी वापस सेंड की जाएगी जिसमें अप्रूवल या नॉट अप्रूवल का प्रोफॉर्मा भी लगा होगा। इस प्रोजेक्ट के लिए ये प्रोफॉर्मा सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपका सिनॉप्सिस अप्रूव हो जाता है तो आपको प्रोजेक्ट बनाने के लिए तैयार हो जाना होगा और ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट 40 से 50 पेज का होना चाहिए और जिसमें आपको अपनी सिनॉप्सिस की कॉपी भी लगानी होगी जैसे हमने लगाई है, हम आपको अभी बताने वाले हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपका सिनॉप्सिस नॉट अप्रूव होता है तो आपको ये प्रोसेस अगेन करना होगा और रिमार्क्स लिखे जाएंगे कि आपको कौन सी जो है आपकी कमी है तो आपको वो फुलफिल करनी होगी अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में, वो वापस डाल के आपको रिसबमिट करना होगा। और फ्रेंड्स, आपको ये बता दें कि जब आप सिनॉप्सिस तैयार कर रहे हो तो आप सिनॉप्सिस की 2 कॉपी तैयार कर लें, क्योंकि कुछ रीजनल सेंटर केवल अप्रूवल लेटर ही सेंड करते हैं। मेरे केस में मुझे लेटर के साथ सिनॉप्सिस फाइल भी वापस सेंड कर दी गई थी। उसी सिनॉप्सिस फाइल को मैंने इस प्रोजेक्ट फाइल में अटैच कर दिया है और अपनी प्रोजेक्ट फाइल तैयार कर ली है। फ्रेंड्स, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि वीडियो पहले से काफ़ी लंबी हो चुकी है। आप सोच रहे होंगे कि अभी तक हमने प्रोजेक्ट फाइल नहीं दिखाई। फ्रेंड्स, अगर मैं आपको ये पूरी जानकारी नहीं देता तो आपको इसकी पूरी जानकारी नहीं मिल पाती और आपके काफ़ी डाउट रह जाते। तो फ्रेंड्स, अब आपके सभी डाउट्स जो हैं क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आप चलते हैं और आपको अपने प्रोजेक्ट फाइल की पूरी लाइव डेमो दिखाते हैं। फ्रेंड्स, आपके सामने इस तरह की हमने एक प्रोजेक्ट फाइल बनाई है। ये प्रोजेक्ट फाइल जो है आपको भी इसी तरह से बनानी होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे इग्नो का लोगो और नेक्स्ट हमारे पास है प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑन। यहाँ पे कौन सा प्रोजेक्ट था उसके ऊपर हमने जो टॉपिक लिया था वो यहाँ पे मेंशन किया है। नेक्स्ट, अंडर द सुपरविजन ऑफ, आपके यहाँ पे जो सुपरवाइजर या गाइड है उनका नेम यहाँ मेंशन किया जाएगा और आपने जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहाँ सबमिट की है वो आपको यहाँ मेंशन करना है और किस जो है हमारे पास सब्जेक्ट में आप कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। ये हमारे पास नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट नेम यहाँ मेंशन करना है, इनरोलमेंट नंबर, स्टडी सेंटर कोड, रीजनल सेंटर और हमारे पास कोर्स कोड आपको यहाँ मेंशन करना होगा। ये आपका जो है हमारे पास कवर पेज है जो बाहर लगाया गया है। इसी तरह से आप यहाँ पे जैसे ही आप ओपन करेंगे, हम ओपन करके दिखाते हैं, और फर्स्ट पेज जो है वो
आपका इसी तरह का पेज जो है वो लगाया गया होगा। आप देख सकते हैं हमने ये फर्स्ट पेज यहाँ पे मेंशन किया है। इसी तरह का जो आपको भी लगाना होगा, ये फर्स्ट पेज और हमारे पास जो कवर पेज है हमने मेन सेम यहाँ पे लगाया है। तो यहाँ पे आप नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे मेन जो है टेबल ऑफ कंटेंट आपका जो है क्लियर होना चाहिए और आपको जो है जितना भी आपने यहाँ प्रोजेक्ट बनाया है उसकी यहाँ पे जो पेज नंबर सीरियल आपको देना होगा, कहाँ से कहाँ तक बनाया है वो आपको यहाँ मेंशन करना होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट में सबसे पहले तो हमने सिनॉप्सिस जो है अप्रूवल जो हमारा अप्रूव हो चुका था एनॉक्चर 1 वो हमने यहाँ पे मेंशन किया है। आप यहाँ देख लेंगे यहाँ पे हमने जो है रोमन में यहाँ 2 जो पेज नंबर दिया गया है। नेक्स्ट हमारे पास सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी जो एनॉक्चर 2 है वो यहाँ पे हमने मेंशन कर लिया है। नेक्स्ट हमारे पास है बायोडाटा ऑफ द गाइड का बायोडाटा जो है हमारे पास 4 नंबर पे है। आप नेक्स्ट हमारे पास एक्नॉलेजमेंट, आपको एक्नॉलेजमेंट डालना है यहाँ पे 5 पेज पे डाला गया है। उसी तरह से आप कॉपी ऑफ सिनॉप्सिस, ये आपको अभी बता रहे थे कि जो हमारे पास जो कॉपी आई थी सिनॉप्सिस की तो वो हमने यहाँ पे अटैच कर ली है। कुछ ही जो हमारे पास रीजनल सेंटर है वो आपको जो है वो सेंड करते हैं सिनॉप्सिस, इसीलिए मैंने पहले कह दिया कि आपको जो है 2 कॉपीज पहले ही बना लेनी है। अगर वो आपकी सिनॉप्सिस की कॉपी जो है वापस बैक आपको नहीं सेंड करते तो आप क्या करेंगे, आपकी जो दूसरी कॉपी होगी वो आप उसके साथ अटैच कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पास जो आ चुकी थी हमने यहाँ पे अटैच कर दिया, आपको बताने वाले हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोजेक्ट रिपोर्ट, आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट यहाँ से 1 पेज से लेके जो है 57 पेज तक आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट चलने वाला है। आप देखेंगे यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट है जो 5 पेज से स्टार्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आपको बताते हैं यहाँ पे आपके पास चैप्टर वाइज हमने जो है वो जो प्रोजेक्ट है वो बनाया है। तो आप देख सकते हैं पहला जो है चैप्टर में हमने इंट्रोडक्शन दिया है। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे जो सेकंड चैप्टर में आपको अलग अलग से हैं, आप देख सकते हैं ये सारे चैप्टर्स आपको दिखाई दिए हैं। तो ये सारे के सारे हैं और यहाँ पे आपका जो प्रोजेक्ट है वो खत्म हो जाता है यहाँ क्वेश्चनरीज में। उसके बाद हमारे पास एनॉक्चर 3 है, एनॉक्चर 4 है और एनॉक्चर 5 है, ये भी आपको बताया जाएगा कि इसमें क्या क्या मेंशन किया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स आपको हम लाइव डेमो दिखाते हैं। सबसे पहले तो हम आपको दिखाते हैं हमारे पास ये जो सेकंड पेज में हमने लिखाया था कि परफॉर्मा फॉर द अप्रूवल ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जो हमारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट अप्रूवल हुआ था उसका यहाँ पे हमने वो मेन पेज लगा लेना है। सबसे पहले उससे निकाल के हमने यहाँ पे डाल दिया। तो अब देखेंगे अब नेक्स्ट पेज पे हमारे पास सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी यहाँ पे हमने ये डाली है, आप यहाँ देख सकते हैं इस तरह से आपको भी डालना है। नॉक्चर 2 था और आप 4 पेज पे देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास बायोडाटा फॉर्मेट फॉर जो हमारा प्रोजेक्ट गाइड है उनका यहाँ बायोडाटा हमने मेंशन किया है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्नॉलेजमेंट, इस पेज पे हमने 5 पे हमने एक्नॉलेजमेंट डाला है। आपको भी इसी तरह से अपना एक्नॉलेजमेंट यहाँ से देख लें, उसी तरह से आपको भी बनाना है और आपका एक्नॉलेजमेंट आपको डालना होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं तो आपके पास कॉपी ऑफ सिनॉप्सिस, जो हमने कॉपी जो सिनॉप्सिस की आपको बताई थी जो हमने पहले वीडियो बनाई है उसमें भी आपको बताया कि पूरी की पूरी सिनॉप्सिस है यहाँ पे हमने वही जो है वो पूरी की पूरी यहाँ पे मेंशन किया। आप देख सकते हैं ये हमें रीजनल सेंटर से आया था, यहाँ पे डेट भी मेंशन की गई है और जो है वहाँ पे स्टैंप भी लगाई गई है, आप इसको देख सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है ये टेबल ऑफ कंटेंट, उसी तरह से आप सिनॉप्सिस आपको मैंने बताया हुआ है तो हम सिनॉप्सिस की तरफ नहीं जाएंगे, हम नेक्स्ट चलते हैं सीधा आपको प्रोजेक्ट जो है कहाँ से स्टार्ट है वहाँ पे लेके चलते हैं। यहाँ इतना हमारे पास जो था वो सिनॉप्सिस था। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोजेक्ट रिपोर्ट, यहाँ से आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट स्टार्ट है। तो हमने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बाहर लिखा तो हमारे पास पहला पेज जो है हमारे पास इस तरह का आ चुका। तो यहाँ पे हमने अपना टॉपिक नेम दे दिया यहाँ पे प्रोजेक्ट रिपोर्ट में। नेक्स्ट हमारे पास सबमिटेड बाय, आप कौन सबमिटेड कर रहे हैं और किसके अंडर सुपरविजन में कर रहे हैं तो वो है यहाँ पे मेंशन किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास कोऑर्डिनेटर कौन थे, आपके जो स्कूल के कोऑर्डिनेटर होंगे वो आप नीचे मेंशन करेंगे और नीचे जो है इग्नो का जो फैकल्टी जो है वहाँ पे आप उसका एड्रेस डाल देंगे। नेक्स्ट हम चलेंगे तो आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट आपको वापस डालना पड़ेगा, ओरिजिनलिटी सर्टिफिकेट आप यहाँ पे डालेंगे। उस तरह से हमने एक्नॉलेजमेंट आपको फिर बनाया गया है यहाँ पे, आप यहाँ पे डालेंगे, ये हमारे प्रोजेक्ट के लिए है। तो इसका इस तरह से आपको जो थर्ड पेज बनाना है। नेक्स्ट हमारे पास है टेबल ऑफ कंटेंट, आप ये मेन चीज़ है यहाँ पे भी टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो किस तरह से बनाएंगे, आपको चैप्टर वाइज जो है यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट बनाने हैं। जो भी चैप्टर है उसका जो सब टाइटल होगा वो आपको रखना होगा। हमारे पास इस तरह से टेबल ऑफ कंटेंट बनाया है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एब्स्ट्रैक्ट, इस तरह से हमने एब्स्ट्रैक्ट लिखा है, आप यहाँ से अच्छी तरह से देख लें इसको, आपको भी इसी तरह से एब्स्ट्रैक्ट बनाना होगा और अपनी फाइल में लगाना होगा। नेक्स्ट हमारे पास है, आप देख सकते हैं चैप्टर 1 स्टार्ट हो चुका है और इंट्रोडक्शन यहाँ पे आ रही है। तो ये पूरा का पूरा जो है इंट्रोडक्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने काफ़ी पेज लगाए हैं यहाँ पे, 57 पेजेस हमने सिर्फ प्रोजेक्ट के लगाए हैं और हमारे पास पीछे जो है हमारे पास 11 से 12 पेजेस थे जो हमने सिनॉप्सिस के लगाए हैं। तो और एक्स्ट्रा जो है नॉक्चर लगा के हमारे पास 70-80 पेजेस से अबव हो चुका है। अब नेक्स्ट देखेंगे तो हमारे पास ये देखिए इस तरह के हमने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई है। आपको हम जल्दी से जो है पेजेस जो है बता देते हैं कि हमने कैसे कैसे बनाया है, ये सारे के सारे हमने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में पेजेस डाले हैं। तो चलिए फ्रेंड हम आपको जल्दी से आपको पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बताते हैं। तो फ्रेंड्स ये आपको जो है ये सारा का सारा इंट्रोडक्शन में ही आपको मिलेगा, देखिए कितना हमने इंट्रोडक्शन में लिया और हमने उसका जो सब टाइटल भी लिए हैं। आपको भी इसी तरह से बनाना है, आपको जो है किसी की कॉपी नहीं करनी, अगर आप कॉपी करेंगे तो आपका जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इसलिए हमने खुद बनाया है और हमने किसी की कॉपी नहीं की। नेक्स्ट हमारे पास है रिव्यू लिटरेचर, आप यहाँ से देख सकते हैं ये हमने रिव्यू लिटरेचर लिया है और ये इंट्रोडक्शन का ही पार्ट है, देख सकते हैं।
यहाँ तक हमारे पास इंट्रोडक्शन का ही पार्ट था। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर टू आ गया। इस तरह से हमने चैप्टर टू बनाया है, तो आप भी इसी तरह से जो है आप पेज लगा लेंगे और अपने जो है फाइल को एक अच्छी तरीके से डेकोरेट करेंगे। यहाँ पे देखिए हमारे पास चैप्टर टू जो है वो काफ़ी पेजेस का यहाँ पे भी हमने लिया है, तो अभी ये 28 पेजेस हुए हैं। आप 29 पेज आपको हम दिखा रहे हैं। इस तरह से आपको जल्दी से जल्दी आपको जो है सारे पेजेस हम दिखा रहे हैं, तो आपको भी इसी तरह से बनाने हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है ये 30 पेज पे आप देख सकते हैं चैप्टर 3 स्टार्ट हो चुका है, रिसर्च मेथोडोलॉजी। आप देख सकते हैं इसमें भी हमने काफ़ी पेज लगाए हैं, रिसर्च की है और रिसर्च जो है अलग अलग टेक्निक से की है। देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारे पास आ गया एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशंस जो है आपको आपके सामने यहाँ मेंशन किया है चैप्टर 4 में। आप देख सकते हैं ये पेज हमने लिया है और इसी तरह से 36 पेज हो चुके हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं ये 36 पेज है, यहाँ स्टडी एरिया हमने जो है स्टडी किया जो है फील्ड में जाके और यहाँ पे मेंशन किया है। तो ये हमारे पास है नेक्स्ट, ये भी जो हमारे पास स्टडी है जो हमने फील्ड में गए थे और यहाँ पे सारा मेंशन किया है, आप देख सकते हैं इसको। ये काफ़ी हमारे पास पेजेस की हमने ये बनाई है और इसको हमने सेंड कर दिया है अभी, तो आपको आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास चैप्टर 4 था। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर 5 कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन जो हमने यहाँ मेंशन किया है 44 पेजेस पे। तो आप नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन, ये आपको इसी तरह से बनानी है और बिल्कुल इसी तरह से कॉपी नहीं करनी, आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो आपको इस तरह से बनाना है। अगर आप कॉपी करेंगे तो आपका जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, मैं पहले से बोल रहा हूँ। तो इसीलिए आपको सिर्फ ये डेमो दिया जा रहा है कि आप इसको देख के आप अपना जो है वो आप हिंट ले सकते हैं और अपना प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप ये देखिए, ये हमारे पास यहाँ पे चैप्टर ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी में आपको कैसे डालना है ये देखिए, हमारे पास सभी जो हमारे पास ऑथर हैं उनका यहाँ पे डाल दिया, विकिपीडिया का डाल दिया, जहाँ से हमने ये जो गाइडलाइन ली है इसकी प्रोजेक्ट की, तो सभी हमने यहाँ मैंशन किया, किस बुक से हमने लिया वो भी हमने यहाँ मैंशन कर दिया है। नेक्स्ट हमारे पास मेन इंपॉर्टेंट है लास्ट में क्वेश्चनरीज, क्वेश्चनरीज आपके होने चाहिए ज़रूर, अगर ये नहीं होंगे तो आपके जो है रिजेक्ट कर दी जाएगी प्रोजेक्ट को। तो ये हमने क्वेश्चनर्स डाल दिए हैं यहाँ पे, क्वेश्चनरीज में आपके काफ़ी क्वेश्चन होने चाहिए, कम से कम 40 तक क्वेश्चंस होने चाहिए जो आपने पूछे होंगे अपने फील्ड में और आप पूछना चाहते हैं जो है रिस्पॉन्डेंट आप क्या करेंगे वो आप यहाँ पर मैंशन कर देंगे। यहाँ पर आपके क्वेश्चन देख सकते हैं कि हमने कितने क्वेश्चन आए हैं, तो अभी तक तो हमारे पास 54 पेजेस में आपके 16 क्वेश्चंस हो चुके हैं और यहाँ पे 23 क्वेश्चंस हैं और यहाँ पे हमारे पास आप देख सकते हैं 30 और नेक्स्ट हमारे पास है 32 क्वेश्चंस हमने यहाँ पे बनाए हैं। और इसके बाद हमारे पास 57 पेजेस तक तो आपका प्रोजेक्ट खत्म हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास एनॉक्चर 3 है, तरह से आपको भी एनॉक्चर 3 लगाना होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास है एनॉक्चर 4, ये आपको हैंडबुक में मिल जाएंगे, आपको उसी तरह से आपको प्रिंट करना होगा और यहाँ पे आपको अटैच करना होगा। ये हमारे पास एनॉक्चर 4 था और लास्ट हमारे पास है एनॉक्चर 5 जो हमने यहाँ पे मेंशन किया है ये। तो इस तरह से आपको सभी के सभी जो है एनॉक्चर बना के आपको यहाँ पे अटैच करने हैं। और ये थे आपके पास पूरी के पूरी जो है हमारे पास प्रोजेक्ट गाइड, जिससे आपको पूरा का पूरा हिंट हो गया होगा कि हमें प्रोजेक्ट किस तरह से बनाना है और ये फाइल जो है आप कहाँ से बना सकते हो। किसी भी हमारे पास जो प्रिंटिंग प्रेस है आप वहाँ जाके इसको प्रिंट करवा सकते हो और बाहर से आप स्कैन करवा सकते हो, ये हमने करवाया है। तो ये बिल्कुल इजी प्रोसेस था, कोई मुश्किल नहीं है, फर्स्ट टाइम मैंने भी किया तो मेरा अप्रूव भी हो गया और प्रोजेक्ट भी हमने सबमिट करवा दिया। फ्रेंड्स आपकी तरफ से मुझे प्रोजेक्ट के रिलेटेड काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे, सभी का कहना ये था कि प्रोजेक्ट फाइल में जो है फॉन्ट साइज़ कितना होना चाहिए और हमारे पास नॉर्मल साइज़ कितना होना चाहिए, कौन सा फॉन्ट होना चाहिए और जो हमारे पास डबल स्पेस क्या होता है। तो इसके लिए हम क्लियर कर दें आपको, हमने अपना जो है प्रोजेक्ट ओपन कर दिया वर्ड में, आप देख सकते हैं, और आपको यहाँ पे हम बता देते हैं कि हमारे पास यहाँ पे हम इस पैराग्राफ को हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने पर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ऊपर जो फॉन्ट है वो आ चुका है और उसका फॉन्ट साइज़ भी हमारे पास यहाँ मेंशन किया गया है। मोस्टली जो हमारे पास प्रोजेक्ट है हमारे पास टाइम्स न्यू रोमन में ही जो है हम प्रोजेक्ट लिखते हैं और इसका साइज़ जो है हमारे पास 12 लिखा जाता है। तो हमारे पास जो हेडिंग जो है हम देख सकते हैं यहाँ पे, हेडिंग और सब हेडिंग जो है हमारे पास ली गई है यहाँ पे। हेडिंग 1 जो है हमारे पास फॉन्ट साइज़ जो है 16 रखा गया है और फॉन्ट जो है हमारे पास वो अलग रखा गया हेडिंग वाला। तो इसी तरह से आप सब हेडिंग में भी आप चेंज कर सकते हैं, पर जो हमारे पास पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है वो हमारे पास टाइम्स जो है न्यू रोमन में ही आपको लेना होगा, आप देख सकते हैं। और आपको ये भी बता दें कि हमारे पास ये डबल स्पेस क्या होता है। डबल स्पेस का मतलब होता है एक लाइन के बीच जो है वो डबल स्पेस दी गई है, यानी जो जैसे हमारे पास एक साइज होता है तो उसका हमें डबल करना होता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे क्या करना है यहाँ आपको बता दें, यहाँ पे आपको जाना है लाइन स्पेस में और आप यहाँ देख सकते हैं 2.0 यहाँ मेंशन किया गया, डिफॉल्ट आपका यहाँ पे 1.15 होता है और आपके पास यहाँ पे आपको चेंज
करके 2.0 करना होता है। और इस पैराग्राफ को जो भी आप प्रोजेक्ट बनाएंगे, पैराग्राफ जो है उसका जो शुरुआत और एंड वाला पॉइंट जो है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। आप देख सकते हैं पूरी की पूरी लाइन जो है बिल्कुल एक्यूरेट जा रही है बिल्कुल। तो ये कैसे होती है, ये हमने यहाँ पे क्लिक किया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जस्टिफाई किया है कंट्रोल जे करके, आपको यहाँ पे आप कर सकते हो इसको। तो आप इसी तरह से आपको भी बनाना होगा। तो फ्रेंड्स ये आप सभी जान चुके होंगे कि आपको प्रोजेक्ट जो है स्पेस क्या लेनी है, आपका फॉन्ट कौन सा लेना है और आपके पास साइज कितना होना चाहिए। तो फ्रेंड्स जैसे ही आप प्रोजेक्ट फाइल बना लेंगे और उसको आपको क्या करना होगा, प्रोजेक्ट फाइल को स्कैन करके एक पीडीएफ बनानी होगी और पीडीएफ जो है 25 MB तक होनी चाहिए। और उसको उसके बाद आपने क्या करना है, प्रोजेक्ट पोर्टल पर और वहां पे आपको सबमिट करना होगा। तो इसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाई है फ्रेंड्स, आप उस वीडियो को देख सकते हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम जो अपनी प्रोजेक्ट फाइल जो है वो अपलोड करेंगे और कौन कौन सी चीज़ें वहां पे आपको ज़रूरत पड़ेंगी जब आप अपलोड कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आप प्रोजेक्ट फाइल बना लेंगे, आप ये प्रोजेक्ट फाइल जो है आपको सबमिट करानी होगी अपने रीजन सेंटर में जा हमारे पास अपने मैदानगढ़ी जो फैकल्टी है वहां पे। तो उसके साथ एक चीज और आपको लगानी होगी, जहां डीवीडी और आपके पास सीडी जो है, आपको वो जो आपने प्रोजेक्ट बनाया होगा उसको जहां पे आपको डालना होगा सीडी में और उसके साथ अटैच करके आपको जो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ आपको ऐड करके आपको सबमिट करवा देनी होगी अपने रीजनल सेंटर या अपने फैकल्टी में। तो फ्रेंड्स ये पूरी की पूरी जानकारी आपको मिल चुकी है कि हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाएंगे और क्या क्या हमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट में लगाना होगा, ये पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में थी। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही था, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। इस तरह के वीडियो पाने के लिए प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय, टेक केयर।